गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा का नाम लेकर मैं कर चुका हूँ मेरा राइड शुरू। और पिछले चार दिन से मैं मेरा दोस्त के रूम था, तो अभी हम जाएंगे मेरा साइकिल पहले ठीक करवाएंगे क्योंकि मेरा चक्का बहुत ही खराब है, तो उसको ठीक करवा के चेंज करेंगे और दो टायर ट्यूब भी ले लेंगे। सो पहले चलो, 18 किलोमीटर दूर है। सो आज का राइड मैं शुरू कर चुका हूँ और अभी जाएंगे कोल्लम के रास्ते। तो मैंने बहुत सारे साइकिल के शॉप में ट्राई किया साइकिल को ठीक करवाने के लिए, तो एक भी साइकिल का शॉप नहीं था त्रिवेंद्रम में। मेरा साइकिल का जो स्टोर होने वाला है वो एक कुछ भी नहीं है। ये अगर आप आ रहे हो तो साइकिल सोच समझ के लेना, ठीक है। तो चलो जाएंगे सामने। अभी कोल्लम जाएगा, 50 किलोमीटर दूर है। सो अभी मैं जा रहा था कोल्लम के रास्ते और आज पूरा दिन का ब्लॉग मैं कैसे कैसे आया या सब मैं जब खाना पकाऊंगा तब बताऊंगा। और उससे पहले मैं जा रहा था और भाई ने मुझे एक कोकोनट दे दिया, कोकोनट का अभी पानी पी रहे है। भाई का नाम भाई आसाम से ही है, मेरे घर के बगल में। तो भाई को मैं बंगला में ही पूछूंगा, दादा तुम्हारा भाई कौन है? आसाम है दादा। भाई आसाम है, तुम्हारा नाम? मोहम्मद अफताबुर रहमान। तुम्हें हमारे नारकेल दिला, एटा खुबी हमार भलो लागलो। तो सबके हाय बोल दो, जरा जरा देख हमारे वीडियो को। तो अभी क्या है, अभी चलो पहले पी लेते हैं, फिर जाएंगे, फिर खाना पकाएंगे यार। और आज के बारे में हर कुछ मैं आपको बोल दूंगा। चलो सो फाइनली हम कोल्लम सिटी चले आए हैं। तो अभी सोच रहे हैं अभी किधर जाएंगे, तो उससे पहले खाना पीना करना पड़ेगा क्योंकि अभी एक बज गया है और खाना खाया नहीं। सो चलो पहले देखते हैं क्या खाते हैं, उसके बाद सोचेंगे किधर जा सकते हैं। तो अभी जाएंगे हम आलापुजा, जो कि हम कोल्लम शहर में आ गए। तो अभी जाएंगे आलापुजा जो कि 88 किलोमीटर दूर है, यही वाला रास्ता। और अभी खाना पीना भी करेंगे क्योंकि लेट हो रहा है, इधर होटल नहीं मिल रहा है और जगह भी नहीं है जिधर बैठ के बनाएंगे। सो अभी क्या है, अभी जलो सामने जाते हैं, फिर देखते हैं खाना पीना क्या होता है। सो दोस्तों मैं अभी ढूंढ रहा हूँ खाने के लिए होटल, मगर मुझे कुछ भी होटल वगैरह नहीं मिल रहा है। और देख सकते हो एक नदी में मैं आ गया, नदी का ब्रिज में। तो अभी जाएंगे आलापुजा और इधर से 80 किलोमीटर दूर है, चले जाएंगे। अभी पहुँच नहीं पाएंगे मगर 50 या 30 किलोमीटर तो चल जाएंगे ना, तो ये वाला रास्ते से जाएंगे। और अभी मुझे बहुत भूख लगा है और आज मैंने एक साइकिल के शॉप में जाके कुछ खरीदा, तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो पहले खाना खा लेते हैं ना, बहुत भूख लग रहा है और एक भी होटल नहीं मिल रहा है, तो चलो पहले होटल वगैरह ढूंढ लेते हैं ना। सो आज पूरा दिन मैंने बहुत सारा ट्रैवल किया और अभी थक गए हैं, तो मैंने आज दो ट्यूब और एक टायर लिया जो कि मेरे पीछे है। और इंटरेस्टिंग बात है, मैंने एक जगह पे खाना खाया तो खाना जो होटल वाला है वो पैसा लिया मुझसे 70 रुपये। उसके बाद मुझे बोला कि भाई अगर प्रमोट करके दे सकते हो, मैंने बोला हाँ ठीक है करके दे सकते हो, मगर फ्री में नहीं होगा ना, तो मुझे कुछ फ्री का खाना वगैरह कुछ देना पड़ेगा दो टाइम का। वो बाद में वो शौक हो गया, बाद में बोला ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने बोला तो ऐसे प्रमोट मैं कैसे करूँगा, बोला एक यूट्यूब पे वीडियो बना दो मेरे साथ। मैंने बोला नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, अगर आप फ्री में मुझे खाना खिलाएंगे तो कर सकते। उसको फ्री में चाहिए और मुझे पैसा नहीं, पैसा देगा उसके पास खाना पड़ेगा, फिर मैं उसको ही प्रमोट कर दूँ। मैंने बोला नहीं भाई आपका प्रमोट आपके पास ही रख दो, मुझे नहीं चाहिए, आपने पैसा लिया खाना खाया आपके साथ बात खत्म। तो मैंने चला आया। तो अभी रहने के लिए जगह ढूंढने की भी 6 बजने वाला है, तो चलो। और आज बहुत ही थक गया है और आज मुझे कोल्लम आना था, सिर्फ कोल्लम रुकना था। मैं कोल्लम जब पहुंच ही गए तो कोल्लम भी छोड़ दिया। अभी जाएंगे आलापुजा जो कि एलिपाई जो बैक वाटर होता है। तो चलो आज तो नहीं पहुंच पाएंगे, कल पहुंच जाएंगे, तो आज पहले रुकने के लिए जगह ढूंढते हैं। तो लेट्स गो। सो फाइनली आज मैं आलापुजा के रोड में पहुंचने वाले हैं, और सॉरी आज नहीं पहुंचेंगे कि 29 किलोमीटर दूर है इधर से, और मैं आज रुका हूँ इस भाई साहब के उधर। तो खाना पीना सब भाई साहब ने ही दे दिया। तो ये रहा भाई का शॉप, ये आलापुजा जाने से आपको आलापुजा जाने से पहले पड़ जाएगा आपको। तो आज मेरा साइकिल भी उधर ही खड़ा है। सो चलो, सो आज इधर ही रुकेंगे एंड टुमारो हम निकलेंगे आलापुजा के लिए। एलिपाई जो बैक वाटर है वो घूमेंगे एंड आफ्टर दैट आई विल गो रूम, बिकॉज उधर हम रूम बुक नहीं उधर मैनेज किया है, तो देखेंगे कल क्या होता है। तो आज चलो आज इधर ही स्टे करते हैं।